आज के टॉपिक में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वर्णन किया जाएगा। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो केवल मानचित्र पर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं, इनको याद रखने के लिए लैटिट्यूड्स, लेटी हुई, लेटी से ये याद रह जाएंगी लैटिट्यूड्स, और खड़ी रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स। कुल अक्षांश रेखाएं 180, 90 भूमध्य रेखा के उत्तर में और 90 भूमध्य रेखा के दक्षिण में। इससे पहले अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और मानचित्रों पर ज्यादातर किसी स्थान की स्थिति को बताने में इनका वर्णन किया जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी उष्णकटिबंध, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी शीत कटिबंध, ये पृथ्वी के धरातल पर मौसम को, क्लाइमेट को निर्धारित करने में काम आते हैं। इसी प्रकार देशांतर रेखाएं, ये रेखाएं वो रेखाएं जो ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती हैं। इनकी संख्या कुल 360, 180 प्रधान देशांतर के पश्चिम में और 180 प्रधान देशांतर के पूर्व में। ये ज्यादातर समय के निर्धारण में काम आती हैं, जैसे GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ब्रिटेन में लंदन के समीप ग्रीनविच से प्रधान देशांतर निकलती है और वहीं से पूरे विश्व का समय का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए मान लो भारत का प्रमाणिक समय अलाहाबाद का, अलाहाबाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। सूर्य की किरणों को एक देशांतर को पार करने में 4.5 मिनट का समय लगता है। इस हिसाब से मान लो यदि ग्रीनविच पे ग्रीनविच में दिन के 12 बजे हैं तो भारत का प्रमाणिक समय 82.5 × 4.5 = 330 मिनट, अर्थात 5 घंटे 30 मिनट का होगा। जब हम प्रधान देशांतर से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय में बढ़ोतरी होगी और जब प्रधान देशांतर से पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय में कटौती होगी। इसी प्रकार यदि जब हम प्रधान देशांतर से पश्चिम की ओर जाएंगे तो कोई स्थान मान लो 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है तो वहां का समय सुबह के 6:30 होगा।
इसी प्रकार 180 डिग्री देशांतर जब मिलती हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में, इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में जानी जाती हैं। और समुद्री जहाज जब उस रेखा से पूर्व की ओर आते हैं और पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन में बढ़ोतरी और उसमें कटौती हो जाती है। धन्यवाद।